हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ एंड खुश हो गई हूँ क्योंकि सारी रात बारिश हुई है एंड मौसम कितना खिला खिला लग रहा है एंड इतना प्लेजेंट हो गया है, क्या बताऊँ, गर्मी का नाम नहीं है। एंड आप लोग बारिश, किन किन को बारिश पसंद है प्लीज़ कमेंट करके बताना। मुझे तो बारिश बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, क्या बताऊँ आपको। बारिश का मौसम चल रहा है एंड आम का मौसम चल रहा है, तो मैंगोज़ बहुत सारा लाए हैं पापा ने एंड उसके साथ बहुत सारा बिस्किट्स जो माइलो लूना लिलित का फेवरेट है एंड उसके साथ हमारा फेवरेट है फ़िश, तो दो टाइप का फ़िश लाए हैं, एक बाटा फ़िश एंड उसके साथ एक रोहू फ़िश, मतलब रोहू नहीं, कतला फ़िश। तो अभी इसका मैं कुछ प्रिपरेशन बना रही हूँ फ़िश का, तो प्याज लहसुन अदरक एंड टमाटर उसके साथ नमक स्वाद अनुसार एंड हल्दी थोड़ा बहुत रेड चिली पाउडर एंड कश्मीरी रेड चिली पाउडर जीरा धनिया सब कुछ देके एक मसाला बना रही हूँ एंड बहुत ही इजी ये रेसिपी है एंड उसके साथ थोड़ा बहुत ग्रीन चिली। ये जो रेसिपी है यहाँ पे फ़िश फ्राई नहीं करते हैं, मैरिनेट करके जस्ट रख देते हैं 10-15 मिनट हल्दी और नमक देके एंड उसके बाद ये जो मतलब रॉ फ़िश है इसको ही मैं मसाले के साथ ऐड करती हूँ। आप चाहो तो थोड़ा बहुत फ्राई कर सकते हो, शैलो फ्राई, लेकिन ये रेसिपी मतलब रॉ फ़िश मैरिनेटेड फ़िश से ही होता है, इसको अलग से फ्राई नहीं करते हैं। ये मेरी दादी माँ का रेसिपी है एंड बहुत ही स्वादिष्ट ये रेसिपी बनता है, तो आप ट्राई कर सकते हो फ़िश कोरमा। हाँ, ये आप रोहू फ़िश या कतला फ़िश से प्रिपेयर कर सकते हो एंड बहुत ही टेस्टी यामी फ़िश रेसिपी ये है। थोड़ा बहुत पानी दे रही हूँ, आपका जितना ग्रेवी चाहिए आप उतना ग्रेवी रख सकते हो, लेकिन यूजुअली इसमें ग्रेवी थोड़ा कम होती है। एंड ये स्टीम्ड राइस या पुलाव या जीरा राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है, आप बना सकते हो। एंड अभी मैं पानी दे दिया है तो इसको थोड़ा बहुत फ्लिप कर लूँगी एंड इसको ढक्कन दे के सात मिनट तक मैं इसको बॉयल कर लूँगी, कुक कर लूँगी एंड उसके बाद रेसिपी मतलब ये जो रेसिपी है रेडी हो जाएगी। एंड इसको आप गरम मसाला स्प्रिंकल कर देना एंड घी स्प्रिंकल कर देना, घी इज़ ऑप्शनल, अगर घी आपको पसंद नहीं है तो घी मत देना। बहुत ही यमी होता है एंड बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है, बार बार मैं यही बात बोलूँगी। देखिए मेरा ये हो गया है फ़िश कोरमा, इज़ रेडी टू सर्व। ये आप स्टीम्ड राइस या जो पुलाव होता है या जीरा राइस के साथ आप परोस सकते हो। तो चलो थोड़ा बहुत लंच कर लेते हैं। लंच यमी था एंड उसके साथ हम लोग, रोमिता छुट्टी था इसलिए निकल पड़े, थोड़ा बहुत भवानीपुर साइड में गए थे, थोड़ा बहुत काम था, वो सब काम निपटाने के बाद हम लोग क्या क्या किए सब कुछ शेयर करेंगे। भेलपूरी खाने का बहुत ही क्रेविंग हो रहा था इसलिए भेलपूरी खा रहे थे एंड भैया बहुत अच्छा भेलपूरी बनाए थे एंड वो खाने के बाद चाय ना पीऊँ ये तो हो ही नहीं सकता है। तो चाय शर्मा टी हाउस है वहाँ पे, तो शर्मा टी हाउस का केसर वाला जो कुल्लर वाला जो चाय है वो केसर टी हमने पिए एंड रोमित को उतना पसंद नहीं है केसर फ्लेवर, इसलिए रोमित नॉर्मल टी पिए। तो बहुत ही अच्छा लगता है शर्मा टी हाउस का चाय पीना एंड ये बहुत ही बढ़िया चाय बनाते हैं, तो जो कैलकटन्स है उनको पता है एंड जो नहीं है उनको मैं बताना चाहूँगी, जो कैलकटा के बाहर रहते हो, कैलकटा घूमने के लिए आई हो, यहाँ पे आए हो, तो प्लीज़ इसको विज़िट कर लेना, बहुत ही अच्छा चाय पिलाते हैं ये लोग एंड मुझे तो बहुत ही पसंद है। तो चलो चाय पीने के बाद क्या क्या करते हैं, आज क्लाउडी वेदर है, क्लाइमेट भी बहुत सुहाना है, क्या क्या करते हैं सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलो, आज ईद है तो ईद मुबारक टू एवरीवन, ईद उल अधा मुबारक टू एवरीवन एंड बहुत अच्छी तरह से ईद मनाओ एंड हम लोग भी थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करने के लिए निकले हैं। आज रोमित का छुट्टी है एंड रोमित का कुछ काम था बाहर एंड मेरा भी थोड़ा बहुत काम था, सब कुछ काम हो गया है। अभी फ़िलहाल रोमित, हम लोग ढाकुड़िया आए हैं, ढाकुड़िया से टाइटन आई प्लस में उसका लेंस है तो वो लेंस डिलीवर लेना है एंड उसके बाद हम लोग क्या क्या करते हैं सब कुछ शेयर करने वाली हूँ, स्टे ट्यून, कहीं मत जाइएगा।
ये रोमित आ गए हैं मैन इन ब्लैक, ये लेंसेस लेके मैन इन ब्लैक टू मैच द माय लेडी इन ब्लैक। हम दोनों मैचिंग मैचिंग ब्लैक ब्लैक एंड अभी फिलहाल सारे पास Hey guys, आज टाइम मिला है तो मैं सोची क्यों ना थोड़ा बहुत सेल्फ पैम्परिंग सेशन हो जाए। रोमित मुझे देके चले गए हैं घर एंड मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत केराटिन का ट्रीटमेंट लूँगी। हेयर बहुत टूट रहा था एंड मैं सोची क्यों ना केराटिन करवाने से मेरा हेयर बहुत ही ठीक रहता है एंड एक साल मैं कुछ ट्रीटमेंट नहीं करवाई थी तो सोची क्यों ना कॉकटेल में चली जाऊँ एंड बहुत ही ये लोग अच्छे सर्विस देते हैं तो चलो थोड़ा सेल्फ पैम्परिंग सेशन हो जाए। एक पार्लर में आई हूँ, ये इसका नाम है कॉकटेल, ये वुड स्क्वायर मॉल में है नरेंद्रपुर में एंड यहाँ पे आके थोड़ा मैं काम कर रही हूँ एंड यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सर्विस भी बहुत अच्छा है इनका, तो आप लोग भी आ सकते हो जो नियर बाई रहते हो एंड बहुत ही अच्छा है इनका, मतलब बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं तो अभी सर्विस ले रही हूँ, थोड़ा बहुत ग्लिम्सेस मैं शेयर करूँगी। है ये बहुत अच्छा करती है, बाकी है 10:10 बाकी है अभी एंड मेरा ये केराटिन का काम हो गया है एंड कल आके फिर से एक वॉश करवाना है जैसे करवाते हैं सब। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा उनका सर्विस एंड मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग भी आ सकते हो जो इस एरिया में रहते हो एंड आके उनका सर्विस ले सकते हो, बहुत ही अच्छा है एंड बहुत ही अच्छा लगेगा उनका बिहेवियर। तो चलो अभी रोमित फ़िलहाल मेडिसिन शॉप में गए हैं, थोड़ा बहुत मेडिसिन लेना है। आज नेशनल हॉलिडे है इसलिए रास्ता भी बहुत सुनसान टाइप का है एंड बहुत ही अच्छा लगा, आज रास्ते में जाम नहीं, ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा लगा एंड क्या बताऊँ, मतलब बहुत ही अच्छा दिन कटा एंड घर में जाके क्या करते हैं सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, स्टे ट्यून, कहीं मत जाइएगा। घर चले आए हैं एंड अभी हम लोगों का डिनर भी हो गया है, अभी सब एक साथ बैठ के थोड़ा बहुत आइसक्रीम्स मम्मी को भी खिला रही हूँ एंड हम लोग सब एक साथ बैठ के आइसक्रीम खा रहे हैं एंड यहाँ पे रोमित बैठा है एंड माइलो लूना का, ये तीनों देखिए आइसक्रीम खाने के लिए, मतलब उन लोगों को आइसक्रीम नहीं दिया है इसलिए बहुत दुखी है, लेकिन अभी शाम को आइसक्रीम नहीं, शाम नहीं अभी रात हो गया है इसलिए आइसक्रीम नहीं दे रहे हैं, कल देंगे, इसलिए देखो कितना दुखी आत्मा बन के तीनों बैठे हैं। तो चलो हमारा दिन तो आज का दिन बहुत ही अच्छा कटा एंड मेरा हेयर डू भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, यही मेरा ओरिजिनल था एंड फिर से मैं ओरिजिनल हेयर डू में लौट आई हूँ, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा प्लीज़ मुझे कैसे लग रहा है, क्योंकि मुझे यही पसंद है। तो चलो किसी भी कारण से अगर ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, भर भर के सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को आगे जाने में मदद करो। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टाटा, गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।